मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल केयर विद कंपैशन, रियल एस्टेट पार्टनर अद्वितीय होम्स, आपके सपनों का पता, ओमिक्स बिल्डर, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी, वेन्यू पार्टनर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA। रावत हैं विधायक और चेयरमैन हैं वेयर हाउस के, जोरदार तालियों से एक बार विधायक साहब का स्वागत कर दीजिएगा। हमारे इस सत्र में मेहमान हैं नीरज शर्मा हैं, कांग्रेस विधायक हैं NIT से। नीरज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। दिनेश अग्रवाल हैं VC हैं जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश अग्रवाल जी आपका। देखिए जोरदार तालियां बजाइए जो भी मेहमान हमारे इस मंच पर पहुंच रहे हैं। तरुण गुप्ता CA हैं, साथ ही साथ पंकज मित्तल इस सत्र में हमारे साथ रहेंगे, पंकज मित्तल भी CA हैं। तो जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी सुंदर सोलंकी। बहुत शुक्रिया सोनल, बड़ा अहम दिन है ये आज फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद की लाखों जो आबादी है उसके लिए, फरीदाबाद की सियासत के लिए, फरीदाबाद की इंडस्ट्री के लिए, फरीदाबाद के आम और ख़ास सभी लोगों के लिए बहुत अहम दिन, क्योंकि फरीदाबाद जो एक वक्त में इकोनॉमी का इंजन हुआ करता था, फरीदाबाद मैनचेस्टर हुआ करता था, फरीदाबाद एशिया का बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन आज फरीदाबाद वक्त के साथ जिसे बढ़ना चाहिए था वो अपनी पहचान अपनी गरिमा पर सवाल कुछ लगते हुए दिखते हैं। जितना ग्रो करना चाहिए था वक्त के साथ चीज़ें बढ़ती हैं बनती हैं, लेकिन फरीदाबाद की पहचान के साथ कुछ उल्टा हुआ। ये उल्टा क्यों हुआ? फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि पूरे प्रदेश में 70% योगदान था, लेकिन अब स्थिति उलट हो गई, 20-30% अर्थव्यवस्था में योगदान है फरीदाबाद का, जबकि गुड़गांव ने वो जगह ले ली। रावत साहब आप सरकार में हैं, नैनपाल जी, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि फरीदाबाद को आखिर हुआ क्या? वक्त के साथ तो इसमें 4 चांद लगने चाहिए थे, बढ़ना चाहिए था, लेकिन पीछे क्यों रह गया? रावत साहब, सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा न्यूज़ के परिवार को तहे दिल से बधाई देता हूं कि मैं उनका दूसरा प्रोग्राम है जो आज इस जेसी बोस यूनिवर्सिटी में मुझे देखने को मिल रहा है, और ना केवल देखने को मिल रहा है, मैं उसमें सहभाग हुआ हूं, उसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा न्यूज़ परिवार को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद, निसंदेह इस फरीदाबाद में सुई से लेकर और जहाज़ तक के कारखाने स्थापित रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम पढ़ते थे तो फरीदाबाद अपने आप में फरीदाबाद नहीं, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की जान बसती थी। और जो सवाल आपने किया कि ये पीछे क्यों रह गया, मैं इसके लिए सीधे सीधे तौर पर बगैर किसी राजनीति के और लाग लपेट के, जो पीछे की सरकार रही, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो पहले मुख्यमंत्री रहे या सरकार में शामिल लोग रहे, उन्होंने केवल फरीदाबाद को लूटने का काम किया, उन्होंने केवल फरीदाबाद को पैसे कमाने की जगह समझी। और जहां तक गुड़गांवा बढ़ा, क्योंकि गुड़गांवा में आपकी सरकार ने क्या समझा फरीदाबाद को, क्या दे दिया फरीदाबाद? माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगभग 6 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमने और हमारी सरकार ने केवल फरीदाबाद को बसाने का काम किया है। आज हर फैक्ट्री वाला उद्योगपति, क्योंकि फरीदाबाद की पहचान उद्योग है, और उनको बसाने का काम किया है। आज हम उन लोगों को केवल पैसे कमाने के मशीन नहीं समझते। पहले जब इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं जाता था सरकार के किसी नुमाइंदे के पास या माननीय मुख्यमंत्री के पास, तो बस ये देखते थे कि ये लाया क्या है, और अगर उनके घर पर जाते थे तो नाश्ता पानी के बाद केवल ये देखते थे कि अभी हमें देगा क्या। तो केवल इंडस्ट्रीज को जब इस चीज का माध्यम समझा गया कि ये केवल पैसे कमाने वाली चीजें हैं, तो उसके कारण यहां से नीरज शर्मा पलायन किया। कांग्रेस 10 साल शासन में रही, और नैनपाल जी कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने लूटने का ही काम किया फरीदाबाद को बढ़ाने का काम नहीं किया। सबसे पहले आप सबको फरीदाबाद मेट्रो न्यूज की बधाई, आपके माध्यम से आप सब दर्शकों का धन्यवाद जी, बेहद शुक्रिया। और सोलंकी जी देखिए, मैं एक बात हमेशा दलों की दलदल से ऊपर करता हूं, और नैनपाल भाई तो वैसे भी आजाद के तौर पे जीते हुए हैं, सरकार का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, आजाद व्यक्ति
जिसकी भी सरकार होती है इलाके का इतना प्रेशर होता है उसको उसके साथ जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए। ये हम लोग आपस में उलझ के रह जाते हैं। आपने फरीदाबाद को लेके मुद्दे उठाए, मैं इससे पहले भी बात सुन रहा था मेयर साहिबान की, डिप्टी मेयर साहिबान की। हम लोग यहाँ आके जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पता नहीं एग्जीक्यूटिव क्यों बन जाते हैं, एग्जीक्यूशन इज़ नॉट ओवर जॉब। मैं 1.5 साल के अंदर सक्रिय राजनीति में रहा, फादर साहब भी मंत्री रहे, जितना मैंने अंदर घुस के देखा हमारे शहर के विनाश के मुझे 2 कारण नज़र आए। सबसे पहले राजनीतिक कमजोरी, हम लोगों की कोई भी कारण हो सकता है किसी का, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। दूसरा भ्रष्टाचार का दानव। मैं एक तरफ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा की एक बेटी ने ट्वीट किया कि उसकी शादी है, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उस मेहंदी लगे हुए हाथों से उसने ट्वीट किया कि कल मेरी बारात कैसे आएगी, मैं मेरे रिश्ते नातेदारों को भोजन कैसे कराऊंगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लेके उस सीवरेज के पानी को साफ कर दिया। क्या ये पूरे सिस्टम के लिए शेम नहीं है? जिस शहर में 7-7, 8-8 IAS अफसर बैठे हों, FMDA हो, MCF हो, DC हो, 2-2 चीफ इंजीनियर हो, एक्शन हो, 40 पार्षद हो, 9 विधायक हों, केंद्रीय मंत्री हो, और वहाँ सीवरेज जैसी समस्या को साफ करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, मैं समझता हूँ सारी चीज दुविधा के लिए हम सब गुनहगार हैं। इससे बड़ी चिंता की बात क्या हो सकती है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी ट्वीट करना पड़ता है, अपने जो मेहंदी के हाथ हैं वो बारात के लिए इंतजार करते हैं। अफसोस की बात है। चल रहा है। हेलो। हाँ जी, ये मेहंदी के हाथ की जो बात है, मेहंदियाँ हमेशा से लगती रही हैं, बहन बेटियों बुनियादी, की, बहन बेटियों की शादी होती रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 10 साल, अभी आपने पूछा कि 10 साल में, आज जो नीरज जी बात कर रहे हैं, इनके फादर साहब भी पहले मंत्री भी रहे और MLA भी रहे, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर मेरे पृथ्वी क्षेत्र में 5 साल में मैं मेरे काम नहीं कर पाता तो इसके लिए मुख्यमंत्री दोषी नहीं है, मैं दोषी हूँ। और मंत्री रहने के बावजूद अगर वहाँ पर पानी खड़ा होता है, वहाँ सीवर रह गई है, और ऐसा भी नहीं जिस प्रकार से मैं निर्दलीय हूँ, इसी प्रकार से माननीय शिवचरण लाल जी निर्दलीय थे, उनके हाथ में भी अन्य विधायकों से ज़्यादा पावर थी, वो मिनिस्टर थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा कर पाते। और मैं गुड़गांवा की जहाँ तक बात करूँ, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केवल अब 6 साल के लिए, इसमें भी 20 साल को अगर छोड़ दें, क्योंकि कोरोना और किसान आंदोलन से ये साल घिरा रहा है, तो पिछले 5 साल का ही अगर रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने पारदर्शिता के साथ शासन किया है, प्रदेश के सभी जिलों का चौमुखी विकास किया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कंपनियों को बसाने तक, आज कंपनियां अपने आप में बहुत महफूज अपने आप को फरीदाबाद में करती हैं, पहले डर के साए में जीती थी। और केवल आपने कहा गुड़गांवा कैसे बढ़ गया, क्योंकि गुड़गांवा में मैं खुले मन से कह दूँ कि चौटाला एंड पार्टी ने, हुड्डा एंड पार्टी ने केवल प्रॉपर्टी डीलिंग करने का काम गुड़गांवा में किया, वहाँ पे आए दिन जो चीजें बसाने का काम किया, केवल एक फोकस यहाँ कर लिया कि यहाँ डीलरी करेंगे, उसको पूछता कौन था, चलिए आरोप प्रत्यारोप ये चीजें। आप अगर जो नीरज शर्मा जी ने बात कही कि दरअसल राजनीति की जो आपसी राजनीति खींचतान है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम रोल बनती है कि फरीदाबाद के पिछड़ेपन में, तो जो फरीदाबाद के बुनियादी सरोकार है उसमें तो सबको साथ आना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि फरीदाबाद को अच्छा बनाएं, विकसित बनाएं। मैंने तो उस बात का जवाब दिया है कि मैंने खुद अपने आप को उस जगह रखा है कि आज मैं 5 साल के लिए, मुझे सेवादारी जिस जनता ने पृथ्वी क्षेत्र ने दी है, और 5 साल के बाद मैं कोई और विधायक बने और मैं ये कहूं कि यहां पर ये काम नहीं हुआ, तो वो मैं समझता हूं कि वो अपने आप में अपने काम को छुपाने की बात है। देखिए, रोजगार का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। और जैसे वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी, सर जब जहाँ का छात्र पढ़ने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद रोज़गार हासिल कर लेगा या रोज़गार हासिल करने के लिए इंडस्ट्री लगाएगा, वो निश्चित रूप में बड़ी बात है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी और ख़ासकर फरीदाबाद की अर्थव्यवस्था में कितना अहम रोल निभाया है और आगे निभाएगी? जी सोलंकी जी, मैं इनफैक्ट बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव होता है कि जो YMCA के नाम से जो इंस्टीट्यूट जानी जाती थी, जो आज जेसी बोस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले पढ़ते थे केवल वो पढ़ने के बाद नौकरी नहीं करते थे, ज़्यादातर अपनी इंडस्ट्रीज लगाते थे। अगर आप देखें इस सेक्टर 7 के चारों तरफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं
वो बहुत सारे YMCA के स्टूडेंट्स हैं जो उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं और उन्होंने फरीदाबाद की इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये काम अभी भी चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी उस लेवल पर नहीं लेकिन अभी भी एक ऐसा ही काम कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ें नहीं टच करूँगा लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि शायद इस सरकार में एक अच्छा काम जो हुआ कि फरीदाबाद ज़िले में पहले कभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं हुआ करता था। हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र और रोहतक दो यूनिवर्सिटी होती थी मेन, लेकिन आज के डेट में हरियाणा में जो फरीदाबाद में जो दो यूनिवर्सिटी हैं, खासकर एक JC बोस यूनिवर्सिटी आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा एक पलवल में दुधौला में यूनिवर्सिटी आई है। तो यूनिवर्सिटीज़ के मामले में शायद इस सरकार में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो फरीदाबाद के जो हमारे शहरवासी हैं इनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कभी कभी, क्योंकि अगर आप जाएँ इंदौर या उज्जैन, वो जो दूसरा शहर है ये कर्नाटक में मैसूर, वहाँ जाके देखें तो वहाँ के जो वो हैं लोग हैं उन लोगों की भी एक रहने की और काम करने की शालीनता अलग तरह की है। तो हमें लगता है फरीदाबाद में सरकार का तो काम है ही है लेकिन उसके अलावा लोगों को भी हमें हम सभी की जिम्मेवारी बनती है अपने शहर को स्वस्थ स्वच्छ रखने की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने। सर आपके पास आना चाहूँगा। तरुण गुप्ता जी CA हैं पेशे से। गुप्ता जी एक बात बताइए कि आखिर ऐसी स्थितियाँ ऐसी चुनौतियाँ। गुप्ता जी नमस्कार। आज हमारे बीच में नयन पाल जी और नीरज शर्मा जी दो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे देश की इकोनॉमी में फरीदाबाद का अहम रहा है और फरीदाबाद को एशिया का मैनचेस्टर, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर कहा जाता था। आज अगर कोई ये बोले कि पिछली सरकार ने ऐसा किया आज किया, तो मेरी एक विनती है आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जितना फरीदाबाद ने दिया देश की इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं उसके मुकाबले 1/16 हिस्सा भी फरीदाबाद के हिस्से में नहीं आया। एक मेजर इशू मैं आज इस प्लेटफॉर्म से रखना चाहूँगा कि 2005 से 12 तक एक स्कीम आई जिसमें पूरे फरीदाबाद का विकास हुआ, 2,250 करोड़ खर्च हुए। अब जो स्कीम आई है अब स्मार्ट सिटी के अंडर आई है, पर मुझे ये कहते हुए बड़ा चिंता भी लगती है कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल बाद एक और स्कीम भी चली जाए और फरीदाबाद वहीं का वहीं रह जाए, ये एक चिंता का विषय है। बहुत बड़ी बात कही है आप सर। मैं बड़ा आज निश्चित रूप से सरकारों को जिस तरह से फरीदाबाद ने प्रदेश को दिया, प्रदेश की तरफ से फरीदाबाद को नहीं मिला। आपके पास आऊँगा पंकज मित्तल जी, ये आखिर जिस तरह से बात की इन्होंने तरुण गुप्ता जी ने, और क्या ऐसी चुनौतियाँ रही, क्या ऐसी अनदेखी रही कि अगर फरीदाबाद की तरफ ध्यान दिया जाता तो फरीदाबाद निश्चित रूप से जो उसकी पहचान है उस पहचान से बहुत आगे बढ़ जाता। पंकज जी। ये पंकज मित्तल इस अधिवेशन में सभी का स्वागत करता हूं और मुझे जी शुक्रिया देने के लिए धन्यवाद देता हूं। माइक थोड़ा ऊपर ले लीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फरीदाबाद में अभी तक IT इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। जैसे कि हम देखें पिछले एक दशक के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल फैसिलिटीज के क्षेत्र में फरीदाबाद ने बहुत तरक्की की है, लेकिन कहीं भी IT इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जब एक IT इंडस्ट्री प्रमोट होती है तो उसके साथ में बहुत सारे और दूसरी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रमोट होती हैं। तो जैसे हमारे फरीदाबाद में IMT बनाया गया, ऐसे ही मुझे लगता है कि सरकार को IT पार्क या ऐसी कोई चीज़ बनाने के लिए, ऐसे कोई क्षेत्र बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब IT इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो उसके साथ में बाहर से लोग रहने भी आते हैं। अब हमारे यहाँ पर हाउसिंग बहुत एक अच्छी है, किसी भी आदमी को पूछा जाए कि कहाँ रहना पसंद करोगे तो वो दिल्ली रहना पसंद नहीं करेगा, वो फरीदाबाद में वो गुड़गांव रहना पसंद नहीं करेगा, नोएडा की बजाय भी सब कहेंगे फरीदाबाद रहने के लिहाज से सबसे अच्छा है। लेकिन रोजगार के जो अवसर हैं वो IT इंडस्ट्रीज के थ्रू ही मिल सकते हैं। जी नैनपाल जी और नीरज जी दोनों से सवाल ये है आप लोगों से, क्योंकि क्या ऐसा फरीदाबाद का कसूर क्या था कि डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, IT की बात हो रही है, गुड़गांव में चला जाता है, फरीदाबाद का कसूर क्या है? फरीदाबाद के साथ क्यों नहीं आप लोगों ने इस तरह से सोचा? 10 साल आप सरकार में रहे, 6 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। नीरज जी पहले आप। सोलंकी जी मैंने पहले कहा सरकारें थी हैं रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेगी, ये हमारे शहर की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं कभी भी दलों की दलदल में नहीं पड़ता हूँ। नैनपाल भाई हमेशा
पिछली सरकार और अगली सरकार की बात करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि जब जहां जो कमियां रही वो तो मानेंगे ना आप लोग, कमियां रही हैं तो जनता ने लोकतंत्र में बदल दिया, कमियां थी तो बदला ना साहब, अच्छाई होती तो दोबारा मौका देते, लोकतंत्र में मौका मिलता है। मैं इस मूल मंत्र पे निकला हूं 1.5 साल के, सबसे पहला काम हमारी बड़ी बहन सीमा तिरखा जी का भी चेहरा नजर आ रहा है, नैनपाल भाई भी हमारे जिले का हिस्सा हैं। पिछली बार बजट सेशन में मेरे को ज़िंदगी में पहली बार मौका मिला था, सीमा बहन जी को तो कई बार बजट सेशन देखने का सुनने का मौका मिला, तो मैंने विधानसभा में एक ही आवाज़ उठाई थी कि साहब हमें 300 पेज की किताब दी है पढ़ने के लिए कि पूरे हरियाणा में कहां से पैसा आता है, कहां से पैसा जाता है, एक 25-30 पेज की हमें ऐसी भी जानकारी दे दो किस जिले से आप कितना पैसा ले रहे हो, और कम से कम उस जिले की कैप लगा दो कि साहब हम फरीदाबाद से 100 रुपया कर ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं, 25 रुपये तो हम फरीदाबाद को वापस दे देंगे। वो अब भी नहीं हुआ, इस बार भी विधानसभा के बजट सेशन में मेरी यही मांग रहेगी। और मैं अंत में एक बात कहने जाऊंगा, राजनीतिक कमजोरी कह लीजिए, हमारे ज़िले को वो मजबूती नहीं मिल पाई आज तक, वो मुकाम नहीं मिल पाया। फरीदाबाद गुड़गांव दो ज़िले हरियाणा के ऐसे हो चुके हैं, कोई भी सरकार हो कैसी भी सरकार हो आती हैं जाती हैं, सोमनाथ के मंदिर की तरह हमारे ज़िलों को लूटती हैं, हमारे लोगों को लूटती हैं, और भ्रष्टाचार का दानव बहुत बड़ा फैला हुआ है फरीदाबाद के अंदर। 250 करोड़ बने रहते हैं, आपको जनता ने जो मैंडेट दिया बनाया, आप केवल मूक दर्शक बने रहेंगे। सोलंकी जी जितनी अपनी आवाज है उतनी उठाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में और लोगों का भी साथ चाहिए। पीछे इसी विधानसभा में कानून आया कि आपने इंडस्ट्री की बात करी सेशन में, उद्योगिक क्रांति की बात करी, नए उद्योगों की बात करी, आप सबने देखा होगा मेरी आत्मा रोई उस दिन विधानसभा के अंदर। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि मेरे 9 साथियों में से फरीदाबाद के हक के लिए कोई नहीं बोला। सरकार ने कानून बना दिया, प्रदूषण झेलेगी फरीदाबाद की जनता, सड़कों में खड्डे होंगे फरीदाबाद की जनता के, ट्रैफिक झेलेंगे हम लोग, पर नौकरी नहीं मिलेगी फरीदाबाद के बच्चों को। 10% का कैप लगा दिया कि एक जिले के व्यक्ति को, जो ये 75% का आरक्षण आया था प्राइवेट नौकरी में, जो बिल गवर्नर साहब के पास गया हुआ है, मुंह दर्शक नहीं बने रहते सोलंकी जी। आज हमारी वो तादाद नहीं है, जिले में शायद मैं अकेला पड़ जाता हूँ, मेरी पार्टी से बाकी कोई मेरी आवाज में आवाज देने वाला नहीं है, नहीं तो भाई नैनपाल से पूछ लीजिए मेरी मांग गलत हो या बहन सीमा जी से पूछ लीजिए। उठा रहे हैं आप फरीदाबाद को लूटने में लगे हुए। देखिए मैंने अभी पीछे कहा था, चलो ये तो नीरज जी ने बात मान ली कि जो भी सरकार आई वो फरीदाबाद को सोमनाथ के मंदिर की तरह लूटती रही। आपकी सरकार भी शामिल है। और हमारी सरकार जो 6 साल में आई है, कोई हर व्यक्ति इस बात को जानता है, मैंने बचपन इस शहर में गुजारा है, कि 6 साल में किसी प्रकार से भी इसको सोमनाथ नहीं समझा जा रहा है। रही बात पिछली सरकारों की, नीरज जी आप विधायक हैं, फादर साहब आपके मिनिस्टर रह लिए, मैं तो पहली बार विधानसभा में चुनकर आया हूँ, अब मैं सबको छोड़कर इसको उठाने की बात करते हैं कि फरीदाबाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो अभी हमारे सीए साहब कह रहे थे कि आईटी सेल में गुड़गांव बहुत आगे निकल गया है, इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, क्योंकि इंडस्ट्री ही इस फरीदाबाद की पहचान है, यहाँ ऑटोमोबाइल का काम ज़्यादा है। मैंने पिछली बार भी विधानसभा में जब मैं पहले ही सत्र में गया तो मैंने यहाँ एक मदर यूनिट की मांग की, जो काम हमारे चाहे ढलाई का है चाहे अन्य चीज़ों का काम हमारे जयपुर या नोएडा से होता है, वो मैं जगह भी हमने देख ली है, तो निश्चित तौर पर एक मदर यूनिट का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री अगर बसेगी बढ़ेगी तो हरियाणा बढ़ेगा, हरियाणा तरक्की करेगा, हरियाणा के युवाओं को बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो सरकार है, सरकार में 1-2 लाख सालाना नौकरियों से ज़्यादा और जितनी माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने दिए शायद इतना कोई 2 योजनाओं में भी नहीं दे पाया, इसके बावजूद भी 1 लाख के लगभग लोग रिटायर होते हैं जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, और 2 लाख की हम पॉपुलेशन के हिसाब से भर्ती कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कंपनियों की तरफ जब तक नहीं देखा जाएगा, और आज मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र में भी हजारों कंपनियाँ हैं, जैसे हमारी बहन जी कह रही थी 500 से ज़्यादा तो अकेले IMT में फैक्ट्रियाँ हैं, और हज़ारों की तादाद में हमारे जो ना पिथला में, और आज मैं समझता हूँ कि कंपनियों की तरफ किसी भी नेता को फटकने का अधिकार नहीं है, कुछ से कुछ कमाई का अधिकार नहीं है, और जो कंपनियों से उगाही करते थे चाहे वो कोई गुंडा तत्व है चाहे कोई और है, उन पे भी पूरी तरह से बंदिश लगा दी गई है, और कंपनियों को बढ़ाकर हम इस फरीदाबाद का विकास करने में सहयोग करेंगे। मैं तो नीरज जी को इतना बताने देना चाहता हूँ। नहीं, एक बड़ी चीज़ कही है आपने कि जिस तरह से लगातार चाहे वो IT की बात हो, चाहे ऑटोमोबाइल की बात हो, और चाहे एक
मदर यूनिट की बात हो, ये बड़ा सपना है और कई साल से दिखाया जा रहा है फरीदाबाद को, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो रहा है जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, आज इस मंच से मैं इंडिया न्यूज़ को रिक्वेस्ट करूँगा कि फरीदाबाद का एक डेलीगेशन जिसमें सारे MLAs हों, ऑफिशियल्स हों, उस डेलीगेशन को एक बार नोएडा और एक बार गुड़गांव घुमा लें। इतना फ़र्क, इतना पक्षपात क्यों है? मतलब ऐसा क्यों है कि फरीदाबाद की डेवलपमेंट सिर्फ एक एक सड़क तक रह जाती है? कभी आप एस्कॉर्ट्स के पास से गुजरेंगे, आपको लगेगा एक सड़क के बीच में आधी बनी हुई आधी नहीं बनी हुई। जिसका मौका लगा वो नहीं, नहीं मैं 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 नीरज, मेरा मुद्दा ये है, फरीदाबाद का नहीं सोचा, मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूँ कि आज क्यों नहीं हमारी फरीदाबाद की डेवलपमेंट प्लान हो जाती है जी। दिवाली आती है फरीदाबाद की, 20 साल से आती है दिवाली, दिवाली के टाइम ही सारी कंस्ट्रक्शन के काम शुरू होते हैं। आप अपना घर साफ करते हो दिवाली के टाइम पे, यहाँ उल्टा होता है। तो मेरी इस फोरम से अपील है, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के, बिना किसी पॉलिटिकल बात के, कि एक डेलीगेशन ले जाया जाए। हमें सूरत या भोपाल, इंदौर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास के शहर में इतनी डेवलपमेंट है, वाई नॉट इन फरीदाबाद? दिस इज़ ए क्वेश्चन ऑफ वरी फॉर मी एज एन इंडिविजुअल रेजिडेंट ऑफ फरीदाबाद। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, एक फरीदाबाद वासी होने के नाते एक पीड़ा भी है और एक दर्द भी है। वीसी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। ये हम बातें करते रहें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहें, लेकिन उससे हल की तरफ नहीं बढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि शिक्षा और रोज़गार दोनों को मिलाकर, दोनों के लेवल पे क्या कुछ और करने की ज़रूरत है, खासकर फरीदाबाद के लिए? जी देखिए, अब हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है 2020, जिसका अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूव करके लागू कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यदि हम सब यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट उस शिक्षा नीति को सही ढंग से अपनाएंगे, तो जो कमियां जो नज़र आ रही हैं सारी कमियां दूर हो जाएंगी। काफ़ी कमियों का उसमें प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। खासकर नई शिक्षा नीति, आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें लिबरल पढ़ाई, मतलब पढ़ने के साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं। अभी अब आपको एक साल नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद में आप दोबारा पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक ऐसा माहौल नई शिक्षा नीति के थ्रू आने वाला है कि वोकेशनल की जो पढ़ाई है, जो आजकल क्या है कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं लेकिन उनको छोटी छोटी चीज़ें घर में यदि रिपेयर करनी पड़ जाए वो नहीं कर पाते, लेकिन अब वो वोकेशनल की पढ़ाई भी एजुकेशन के साथ साथ चलेगी। तो मेरे को लगता है जो इतने सालों बाद जो एजुकेशन के ऊपर जो पॉलिसी बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आ रही है, इस शिक्षा नीति को हमें यूनिवर्सिटीज़ को और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको तो नई शिक्षा नीति रोजगार परक भी होगी और जो अर्थव्यवस्था है फरीदाबाद की उसको कहीं ना कहीं पटरी पर लाने की कोशिश करेगी। पंकज मित्तल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था की जो पहचान थी कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में फरीदाबाद का बड़ा योगदान था, अब वो पिछले दिन कैसे लौट आ पाएगा फरीदाबाद? सर, अब भारत की तो फरीदाबाद का पूरे हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। जो इनकम टैक्स या रेवेन्यू जो जाता है पूरे हरियाणा का, वो मोर देन 50% फरीदाबाद और गुड़गांव से जाता है। जैसे आपने बताया कि 2012 तक हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन 29% था, जो घटकर अब 21 या 22% रह गया है। उसको हमें बढ़ाने के लिए हमें सरकार की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए कि कैसी स्कीम्स होनी चाहिए। जैसे फरीदाबाद, नैनपाल जी बैठे हैं अभी तो विधानसभा में भी बता देंगे, फरीदाबाद में कोई अगर इंडस्ट्री लगाता है जी, तो उसको जमीन अलॉट उस हिसाब से हो कि वो उतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा सके फरीदाबाद में, कुछ टैक्स के बेनिफिट हो। और इसके अलावा तो कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बहुत सारी चीजें बिजनेसमैन के लिए कर दी हैं, बस काम करें वो, दिक्कत नहीं होगी कोई। सर, अभी मेरे क्लाइंट को अपनी एक इंडस्ट्री लगानी थी जी, तो ड्यू टू पावर सप्लाई उसको यहाँ पर इतनी नहीं मिल पा रही थी, उसकी पावर सप्लाई महंगी थी, तो ही हैड टू गो टू द भिवाड़ी। तो उनको कम से कम यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने, ये बेहद अफसोसजनक स्थिति है नैनपाल जी, बेहद अफसोसजनक। बुनियादी चीज़ें आप देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भाई सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी, इन सबको देने का सरकार का हक बनता है, सरकार को देनी चाहिए। जहाँ तक हमारे सीए साहब भिवाड़ी से इसको जो कंपैरिजन कर रहे हैं, भिवाड़ी चली गई क्योंकि भिवाड़ी आप लोगों ने सुविधाएं नहीं दी, भिवाड़ी भी गई थी, बद्दी में भी कुछ इस तरह टैक्सेस में छूट देकर के बद्दी में भी कंपनी बसाई गई थी, लेकिन उनको उस 2-3-4-5 साल छूट देने के बाद वापस जो ना फरीदाबाद या अन्य शहरों में वो गई हैं। और इस चीज़ का बिल्कुल निश्चित तौर पर हम भी सुझाव देंगे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि कुछ ना कुछ रिबेट देकर। अभी जैसे मैं मदर यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो बहीन में
जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, 800 से 900 एकड़ पंचायती जमीन है, एक ही गांव की केवल जमीन है, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं और उसको फोकस करके, क्योंकि मदर यूनिट आने से फरीदाबाद का बहुत बड़ा विकास होने वाला है, फरीदाबाद की इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा सर्वाइव जो कर जाएंगी, तो निश्चित तौर पर सरकारों को भी, और मैं समझता हूँ वही नहीं रह पाई आज के समय जो में, लगाना चाहता है वही नहीं लगा पा रहा है। नहीं, आप मदर यूनिट की बात कर रहे हैं। देखिए, लगा इसलिए नहीं पाया क्योंकि कभी किसी सरकार ने इस विषय में सोचा नहीं, और निश्चित तौर पर ये सरकार सोचेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब जो फरीदाबाद का विकास इससे आगे होगा, जो हम सब मिलजुल कर करेंगे, उसमें निश्चित तौर पर इंडिया न्यूज़ हरियाणा का भी योगदान होगा। जैसे फरीदाबाद अधिवेशन आपने किया है, सारा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य जो अधिकारी कर्मचारी इसको देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इससे हमारे भी अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी कि हम फरीदाबाद को कैसे बढ़ाएं, कैसे खड़ा करें, कैसे इसके जो ना अर्थव्यवस्था को ठीक करें। तरुण जी, मैं आपके पास आऊँगा, सीए हैं पेशे से, नीरज शर्मा जी, ये बात हम छोड़ते हैं किसने क्या किया, ये बात छोड़ते हैं कौन लूट गया, कौन बर्बाद कर गया, ये बात करते हैं कि चलिए फरीदाबाद को फिर वही पहचान दिलाते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। नीरज जी, सोलंकी जी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम फरीदाबाद जिले से 9 विधायक चुन के जाते हैं, एक सांसद हैं, खुशकिस्मती से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और फरीदाबाद के साथ साथ गुड़गांवा है, पीछे मुद्दा भी था 3 करोड़ की रिश्वत का। भ्रष्टाचार हर चीज़ की जड़ है। आज फरीदाबाद शहर में 1 किलोमीटर सड़क ऐसी नहीं है जहां गड्ढे ना हो, यही भ्रष्टाचार ना हो, ये खत्म कैसे होगा कि हम 9 के 9 एक मंच पे बैठें, दिल से बैठें, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बैठें, दलों की दलदल से बाहर निकल के बैठें, और जो शहर पे कोड़ कलंके में, आपको सोलंकी जी छोटा सा उदाहरण भी देना चाहूँगा, अब बीच में बात ना काटिए, बिजली बोर्ड का मैंने मीटर पिलर बॉक्स का घोटाला उठाया, हमारी विधानसभा ने उन दुष्टों को, उनको मैं शहर पे कलंक ही बोलूँगा, उनके तबादले कराए, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे पक्ष हो, चाहे बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, ऐसा कौन नेता नहीं था जिसने दाएं बाएं सिफारिश नहीं करी उन दुष्टों के लिए। जिस दिन हम सफ़ेद कपड़े वाले इन भ्रष्टाचारियों की, इन दुष्टों की सिफारिश करना छोड़ देंगे, हमारा फरीदाबाद वापस वही फरीदाबाद बन जाएगा जो सन 47 में था, या जन 79 में गुड़गांवा से अलग होने के बाद बना था, जिस दिन हम भ्रष्टाचारियों की सिफारिश करनी छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार, मैं बधाई देना चाहूंगा नयन पाल जी को एक बात के लिए, अभी जो स्टेट की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसमें पूरा प्रिस्ला से लेकर आप होटल तक जितना भी नया इंडस्ट्रियल एरिया है, जितना भी नया इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके लिए जितनी छूट गवर्नमेंट ने दी है, तो मुझे लगता है उस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ साथ एक बात, मैं बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, डी ग्रेड एरिया घोषित किया गया कंपनी लगाने के लिए, जिसमें जमीन बहुत सस्ती मिलेंगी, और फरीदाबाद के यहाँ से इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जमीन देख के आ रहे हैं, और निश्चित तौर पर वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी बेरोजगारी को खत्म करने का, बेरोजगारी को कम करने का मौका मिलेगा, और फैक्ट्रियों को भी सस्ते के लिए बुनियादी जरूरत, सड़क, पानी, जब कोई प्लान, ये तो चाहिए नहीं। अभी अभी सोलंकी साहब, अभी वो जगह डी ग्रेड में निश्चित की है। आज अगर हम फरीदाबाद में बैठे तो ए ग्रेड है, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। डी ग्रेड में जब चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर बुनियादी ढांचा जो है इसी 5 साल में बनाकर दिया जाएगा। और आप जैसा फरीदाबाद, पिरथला और आईएमटी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उस प्रकार से वहां भी फैक्ट्रियां लगेंगी और वहां भी जाकर बिजनेस जो है ना हम लोग कर सकेंगे। चलिए, एक उम्मीद नैनपाल रावत दिखा रहे हैं, फरीदाबाद को एक सपना दिखा रहे हैं, चाहे वो मदर यूनिट की बात हो या बुनियादी सुविधाओं की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। फरीदाबाद की दरअसल बात यही है कि भ्रष्टाचार, जो नीरज शर्मा जी ने बात कही कि भ्रष्टाचार को लेकर लगाम लगनी चाहिए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आरोप प्रत्यारोप की बातचीत हम कर रहे हैं उससे ऊपर उठकर अब केवल फरीदाबाद के बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बहुत शुक्रिया। हेल्थ पार्टनर SSB हर्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केयर विद कंपैशन। रियल एस्टेट पार्टनर अद्वितीय होम्स, आपके सपनों का पता। ओमेक्स बिल्डर, टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। वेन्यू पार्टनर JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMC।